यूपी के सहारनपुर से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। सहारनपुर के देवबंद पहुंचे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर अज्ञातों ने फायरिंग कर दी है। इस जानलेवा हमले में चंद्रशेखर आजाद घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए देवबंद अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। चंद्रशेखर अपनी फॉर्चूनर कार से देवबंद दौरे पर पहुंचे थे, तभी अचानक उनकी गाड़ी पर अज्ञातों ने हमला कर दिया। बताया गया कि हमलावर हरियाणा नंबर की कार में आए थे और चंद्रशेखर आजाद पर फायरिंग कर भाग गए। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर पर जो हमला हुआ है, कायराना हमला हुआ है, ये उत्तर प्रदेश के जंगल राज की पोल खोल रहा है। अपराधी मस्त है, पुलिस पस्त है और नेताओं के ऊपर, आम जनता के ऊपर जिस तरीके से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, जिस तरीके से अस्पतालों में हत्याएं हो रही हैं, जेल में हत्याएं हो रही हैं, जिस तरीके से खुलेआम अपराधी तत्व तो किसी को भी मार करके चले जा रहे हैं, इसकी जितनी भर्त्सना है कम है। चंद्रशेखर के हत्यारों, चंद्रशेखर के जो हमलावर हैं, उनको तुरंत पुलिस पकड़े, कठोरतम धाराओं में कार्रवाई करें, वरना ये माना जाएगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है।